मैंने हमने दो इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ लिए। देखो एक तो ये अभी निकल रहा था ना कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम है। कहते हैं 20% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो 20 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो मास परसेंटेज इनटू सॉल्यूशन की डेंसिटी और इनटू में 10 और डिवाइड बाय सॉल्यूट, जो सॉल्यूट जिसकी मास परसेंटेज दे रखी है उस सॉल्यूट का मोलर मास। ये डेंसिटी आप फॉर्मूला अप्लाई करो, जरूर ध्यान रखना दैट शुड बी इन ग्राम पर मिलीलीटर। किस में ग्राम पर मिलीलीटर में। नॉर्मलिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 पर डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मोलर मास ना, इक्विवेलेंट मास। और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू बोलो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, राइट। ठीक है, न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अभी सब चीजें ध्यान रखना। ऑल टर्म्स देखो, एक तो आप ये बताओ आउट ऑफ मोलरिटी एंड मोलरिटी विच इज अ बेटर मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अपने को सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है तो कौन सा इनमें से बेटर है, तो बेटा बेटर इनमें मोलरिटी, स्मॉल एम बेटर है। कि स्मॉल एम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर के चेंज करने से ना नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे ना मास चेंज होगा, तो इसलिए बेटर है। जबकि मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा उतनी बेटा वॉल्यूम बढ़ेगी। पता होगा ना आपको टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। हम ये ना पढ़ेंगे तो प्रूव भी करेंगे आगे गैस स्टेट में। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल गो फार पार्ट, और वो दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स अपना एक सॉल्यूशन 2 मोलर है 200 डिग्री सेल्सियस पे, अगर इसी सॉल्यूशन को मैं 800 डिग्री सेल्सियस पे लूं तो मोलरिटी बेटा 2 से कम हो जाएगी। एज द टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इनमें से कौन सा बेटर है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, तो बेटर कौन सा है, स्मॉल एम, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, मोलरिटी चेंज हो जाएगी। सेम ऐसे नॉर्मलिटी भी चेंज हो जाएगी, नॉर्मलिटी में क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर चेंज हो जाएगा ये टेम्परेचर के साथ। वॉल्यूम परसेंटेज है या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम चेंज होगी। मास परसेंटेज है ना मास बाय मास, तो ये चेंज नहीं होगा, मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो देख लेना जहां जहां वॉल्यूम आएंगे वो बेटर मेथड नहीं है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर के चेंज करने पे क्या हो जाते हैं, चेंज। और कुछ टर्म्स देखिए, व्हाट यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन, आप मोल फ्रैक्शन कैसे क्या समझते हो, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ वन, हर एक वन पार्ट में से कितना मोल एक कोई कंपोनेंट है, और 100 में से बता दे तो परसेंटेज, 10^6 में से बोल दे तो पर मिलियन, और एक में से कितना हिस्सा है तो फ्रैक्शन, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने मान लीजिए कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट के मोल है Na, एक कंपोनेंट के मोल है Nb, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से टोटल में से ए कितना परसेंट है Na, वन में से कितना हुआ Na डिवाइड बाय टोटल, तो ये क्या कहलाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन, कि एक में से ए का कितना हिस्सा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक। ऐसे अगर आपको मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट का बताना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो अगर एक सिस्टम में कंपोनेंट दो ही हैं ए एंड बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन कर दे,
ए का कितना हिस्सा है वो आ गया, बी का कितना हिस्सा है वो आ गया, तो दोनों का ऐड करके बना जाएगा। और मान लो भाई कंपोनेंट थ्री है तो फिर क्या करोगे, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन बी डिवाइड बाई दिस, और ऐसे एक्स सी क्या हो जाएगा, एन सी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस बी के मोल प्लस में सी के मोल, तो फिर एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। मतलब एक सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके फ्रैक्शंस का, उनके मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होगा, वन। परसेंटेज सभी बता दे तो टोटल करो तो 100 आना चाहिए, फ्रैक्शंस सभी बता दीजिए टोटल करो कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। ऐसे अगर मास फ्रैक्शन कहते हैं, मास फ्रैक्शन तो कंपोनेंट के मास को उस सॉल्यूशन के टोटल मास से डिवाइड कर दो, ये मास फ्रैक्शन आ गया। ए का मास फ्रैक्शन आ गया, बी के पता ना तो बी के मास को टोटल मास से डिवाइड कर दो, ये बी का मास फ्रैक्शन आ गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास परसेंटेज आ गई, इसको 10^6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पार्ट पर मिलियन आ गया। ठीक, और सुनिए, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, हमें एक सॉल्यूशन स्ट्रेंथ दे रखी है, स्ट्रेंथ होता है कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर, तो मोल पर लीटर कह दे तो मोलरिटी और ग्राम पर लीटर कह दो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट जिसकी भी आपको स्ट्रेंथ आ रही है उस सब कंपोनेंट का मास इन ग्राम और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो स्ट्रेंथ का मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों से रिलेशन आ जाएगा। देखो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्वड पर लीटर, ये होती कि नहीं, ये मास है सोल्यूट का ग्राम में, ये मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल आ गई, नंबर ऑफ मोल पर लीटर क्या है मोलरिटी, और मास ऑफ सोल्ट इन ग्राम पर लीटर ये क्या है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी जगह, तो हम लिख दे रिलेशन क्या गया कि स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट। सॉल्यूशन मोलरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ होती है कितना ग्राम सॉल्यूट है पर लीटर। अच्छा नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मोल में, क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ही होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसलिए स्ट्रेंथ आल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नॉर्मलिटी इनटू में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। ये आ गया, अभी क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियर होंगे। ये कह दिया जाए अपने को 3.42% सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज गिवन, राइट। और कह दिया जाए फाइंड द मोलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, फाइंड द मोलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इफ डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दे दिया, देखो आप एक बात क्यों करते हैं, मोलिटी, मोलिटी में हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, मोलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्वड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहीं से हो जाएगा 3.42%, मतलब 3.42 ग्राम शुगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, इतना परसेंटेज, 100 में इतना ग्राम है शुगर, तो सॉल्यूट का मास 3.42 ग्राम, शुगर का मोलर मास याद है अभी बताया था 342 C12H22O11 कितना आएगा 342 नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्वड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन, तो इतना ग्राम, ये छोटी बात है बहुत छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ग्राम शुगर है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, परसेंटेज आती है आउट ऑफ टोटल, तो टोटल अपना सॉल्यूशन 100 ग्राम है उसमें सॉल्यूट इतना है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ 100 माइनस 3.42, 100 में से 3.42 निकाल दीजिए कितना हो गया भैया, ये 10^8 945 और 936 कितना गया
96.58 ग्राम, तो ये 96.58 इतना मोल सुगर प्रेजेंट है इतने ग्राम सॉल्वेंट में, और अपने को पर किलोग्राम चाहिए तो इनटू में 1000 कर दिया जाए, हो गया। बोलो आगे बोल बेटा, एक ही छोटे दूसरा बोलो क्या कहता है कि स्ट्रेंथ निकालिए आप सॉल्यूशन स्ट्रेंथ। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ से आप क्या समझते हो? तो स्ट्रेंथ क्या होती है? मास ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास, कितना ग्राम सुगर? 3.42 ग्राम है, हमें मोल नीचे मास है इतना ग्राम सुगर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नीचे चाहिए सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में। तो ये इतना ग्राम सुगर है ना, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम। 100 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गई मास बाय डेंसिटी, मास ग्राम में, और अपॉन में डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऊपर चली गई, कितनी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, वॉल्यूम में एमएल में आ गई, तो बताओ इनटू में 1000 कर दोगे? बताओ जी, आ गई नहीं स्ट्रेंथ? इतना ग्राम शुगर प्रेजेंट है इतने लीटर सॉल्यूशन में, या ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ आ गई। मोलरिटी कहता है, मोलरिटी कहता है तो स्ट्रेंथ को आप डिवाइड कर दो मोलर मास से, आगे मोलरिटी। अरे चेपसिता निकालो, वही बात आएगी। मोलरिटी क्या होती है? मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय सॉल्यूट का मोलर मास। तो मोलर मास कितना है सॉल्यूट का? 342। बोलो ये देखो, ये 100 और ये 1000, ये 10 रहा, ये मास परसेंटेज, ये डेंसिटी, ये इनटू 10। अगर मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो अपने पास मोलरिटी आ जाएगी, मोलर मास से डिवाइड नहीं करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? स्ट्रेंथ। ठीक है, करने है प्रैक्टिस है। एक और सुनो टर्म, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? क्या बताया था मोल फ्रैक्शन? जैसे यही कह दिया जाए आपके पास ना, 20% सॉल्यूशन यूरिया का है, अब क्या निकालो? मोल फ्रैक्शन निकालो यूरिया का भी वाटर का भी, ये सॉल्यूशन एक्वस है, मोल फ्रैक्शन निकालो। तो 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो वाटर कितना ग्राम हुआ जी यहाँ पे? 80। मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया होता है NH2CONH2, भाई ये यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक। तो यूरिया का मोलर मास निकालना क्या आ जाएगा? 60। नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन कार्बन एक ऑक्सीजन जोड़ लेना, 28, और हाइड्रोजन 4 कार्बन 12 ऑक्सीजन 60 आएगा यूरिया का मोलर मास। तो मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया गिवन मास, मोलर मास, आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यूरिया तो 20/60 और प्लस वाटर कितना? 80/18 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, देखो ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो मास यूरिया का 20, मोलर मास 60। ठीक, एक और सुनो बात, एक लास्ट रिलेशन आज, उसके बाद आपकी छुट्टी। क्या रिलेशन? रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी में और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है बेटा? ये रिलेशन आएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का, ध्यान रखना। शुगर सॉल्यूशन तो ये मोल फ्रैक्शन किसका? शुगर का। यूरिया सॉल्यूशन तो मोल फ्रैक्शन किसका? यूरिया का। ठीक, मोलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 1000 अपॉन एक्स ए इनटू एम ए। ये तो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, और भाई ये मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्वेंट का। ए मतलब सॉल्वेंट, और ये मोलर मास सॉल्वेंट का। ठीक, कोई रटने की जरूरत नहीं है, एक बार